थोड़ी आप भी 2 दिन से कम मैम आपके आईलाइनर बहुत अच्छे हैं। मेरे आईलाइनर आज मेकअप आर्टिस्ट के साथ आ रही हूं। एड्रेस तो दे ही व्हाट हैपेंड ऑल ओके ना सब सुंदर है ना मैम कहां से आप वीडियो एडिट करना चाह रही हैं मैं उत्तराखंड से आ रही हूं हरिद्वार के मेरी नई फिल्म ड्रीमी से डायरेक्टेड बाय समीर मैम मेरे ख्याल से जो आपने दिव्या में जो ट्वीट बार चल रहा है वो आपका बिग बॉस से ज़्यादा वायरल हो रहा है क्या वजह है क्या कहना चाहेंगे कौन सही है कौन गलत है किसे क्या कहना चाहेंगे देखो वो करण कुंद्रा का स्टैंड ले रही है मैं करण कुंद्रा को ये समझती हूँ कि वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि उसको लगता है कि वो दो लड़कियों के बीच में फंसा हुआ है वैसे शमिता शेट्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं और जब हम तेजस्वी की बात आती है मैं तेजस्वी को डिफेंड करती हूँ और मैंने ये कहा कि ये तुम्हारा प्यार है और इस तरह से तुम किसी लड़की को ट्रीट करते हो मुझे ये अच्छा नहीं लगता आई एम श्योर कि बहुत सारे औरतों को अच्छा नहीं लगता तो फिर तुम्हारा गुस्सा क्या होगा इतना तुम क्या गुस्सा तो मुझे लगता है दिव्या को और दिव्या को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तेजस्वी ने ये बोला है कि दिव्या जीती तो उसको बार बार आने की जरूरत नहीं ऐसा कोई नहीं बिग बॉस ऐसा शो है जहाँ पे आप जीतो आरो आपको वो शो बुलाता है ना आपके इसलिए आई वॉच बिग बॉस एवरी सीजन और फर्स्ट सीजन से हम मैं उसको तो ये दिव्या की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तेजस्वी ने उसका साइड उसका साइड नहीं वो शमिता शेट्टी को लोगों की ऐसी सोच होती है लोगों को ये बोलना कि जो भी है वो मामा ससुर ही है आई नो हिम एज एन एक्टर लेकिन उनकी वाइफ ने हमको उनको इतनी अच्छी तरह से जानने दिया ही नहीं एज मामा ससुर तो मुझे ऐसा कोई उनसे पब्लिसिटी स्टंट करने की जरूरत नहीं ना उनके वजह से मुझे फिल्में मिलती है ना उनकी वजह से हमारा घर बट वो कृष्णा जी के मामा है तो उतना मैं उनको और आपको कॉफी पिलाती हूँ चलो धन्यवाद
क्या पूछना है? मैम जैसे आपने करुण रुद्रा को आपने जैसे भड़का था, तो कृष्णा सर को भी आप घर पे ऐसे ही ट्रीट करते? कृष्णा है, करुण रुद्रा थोड़ी है, भड़कने की क्या जरूरत है? आपके हस्बैंड है ना मैम, उससे करता तो क्या, पहले बॉयफ्रेंड तो था ही ना। वो अगर मुझे करुण रुद्रा की तरह ट्रीट करता तो बराबर लाइफ पे लाती। थैंक यू मैम, साथ में चलो। नो मैम, चलेगा मैम, थैंक यू।